यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की और मिजोरम की। मध्य प्रदेश की बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 230 सीटें और इन 230 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही मतदान स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस बीच राज्य में विभिन्न हिस्सों में चुनाव ड्यूटियां भी तैनात की गई। 3 अधिकारियों की मौत तक हो गई है। बताया जा रहा है कि 1 चुनाव अधिकारी की गुना में और 2 की इंदौर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के 3 नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों जिनमें परसवाड़ा, बहर और लांजी में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और यहाँ वोटिंग 3 बजे तक ही चल पाई है। 230 में से 227 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। शाम 5 बजे तक यानी कुछ ही देर बाद यहां पर मतदान अब खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट डालने से पहले पूजा की और बाद में वोटिंग की। 100% हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता पार्टी का मुद्दा एक ही है, प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण। जनता में समाज के हर वर्ग शामिल है। किसान को पसीने का पूरा दाम, गरीबों का कल्याण करने के लिए, गरीब हटाने के लिए संबल जैसी योजना, भांजे भांजों के लिए तो मामा है ही, उनकी पढ़ाई लिखाई, बाद में रोजगार, 10 लाख रोजगार के अवसर हर साल हम पैदा करेंगे। माता बहन और बेटी के कल्याण में कोई कसर नहीं रखेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप मजबूत बना के हम गरीब बहनों की आमदनी बढ़ा के उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आएंगे। तो मुद्दे यही है, विकास के और जनता के कल्याण के। शिवराज सिंह जी कहें, उनकी बोरी बिस्तर बांध के भाजपा की रवानगी जनता ने तय कर ली। अपने सामने रखेंगे, हमारा पीड़ित किसान, भटकता नौजवान, असुरक्षित महिलाएं, छोटे छोटे व्यापारी, दुखी व्यापारी, मजदूर, ये आज सब चित्र जो मध्य प्रदेश का है अपने सामने रखकर अपने हितों की रक्षा करेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में आपको लगता है कि माहौल है, जनता वोट करेगी? मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। भोली भाली जनता है, सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। बहुत ठग लिया मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बीजेपी कह रही है कि उसको बहुमत मिल रहा है, वो सरकार बनाने जा रहा है। बीजेपी तो हमेशा कहती है ये, और क्या कहेगी, ये तो नहीं स्वीकार कर सकती कि वे हार गए। वो तो 11 तारीख को करेंगे। जनता का मिल रहा है और मैं सभी मतदाताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो मतदान को प्राथमिकता दें, जल्दी से जल्दी आए, अपना मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार बना सके, इसका मार्ग प्रशस्त। हाँ, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार मध्य प्रदेश में चौथी बार बनेगी।